फर्स्टली सभी मीडिया कर्मियों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, और इस मंच पे जितने भी हम साथी बैठे हैं, हमारे साथ चेयरमैन साहब हैं इम्तियाज़ साहब, हमारे साथ रामबन सैनवर साहब वाइस चेयरमैन, हमारे साथ जनरल सेक्रेटरी शशाद नटनू जी तनवीर साहब वाइस चेयरमैन हैं, और जितने भी साथ में हमारे रामबन किश्तवाड़ और किश्तवाड़ से हमारे शादीलाल जी हैं, बाकी जितनी भी मेरी बहनें यहाँ पे सब बैठे, हम सब पहाड़ी हैं। मैं आपसे एक छोटी सी बात करना चाहूँगा, मुझे यह शर्म आ रही है कि मैं एक ही क्वेश्चन करता हूँ जितेंद्र सिंह साहब से कि आप पहाड़ी हैं या आप डोगरे हैं। मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है, अगर मुझे लगता वो मुझे सुन रहे होंगे तो वो बड़े एहतराम के साथ बोलता हूँ, क्योंकि वो मेरे बड़े बुजुर्ग हैं और शायद जहाँ से वो आते हैं वो हमारा इलाका एक ही पड़ता है। मैं उनसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा कि आखिरकार आप पहाड़ी हैं या डोगरे हैं। तो पहला क्वेश्चन मेरा जितेंद्र साहब के लिए रहेगा रिक्वेस्टली, और दूसरी जो आप मूवमेंट देख रहे हो इसका सीधा का सीधा ये है कि ये नॉन पॉलिटिकल मूवमेंट है। हमें फ़र्क नहीं पड़ता यहाँ पे कि किस पार्टी से आप आ रहे हैं, हमें फ़र्क ये पड़ता कि आप अपने अवाम के लिए कितने हमदर्द हैं। पिछले 70 साल से या पिछले 50 साल से जो मुहिम आज तक चलाई गई, या पिक एंड चूज का जो इशू खड़ा किया गया कि आप रजौरी पूंछ को दे दो, वो भी हमारे भाई हैं, वो भी पहाड़ी हैं, हम उनके खिलाफ कभी भी नहीं जाएंगे और कभी होंगे भी नहीं। बट उसके साथ साथ हमारे चार डिस्ट्रिक्ट हैं जो हर साइड से हर चीज़ से महरूम है, चाहे आप उसको रोड की कनेक्टिविटी पे देख लो, आप फाइनेंशियली उनको देख लो, आप उनकी जो मैं बोल सकता हूँ एजुकेशन के हिसाब से देखो, तो हम ये चार डिस्ट्रिक्ट जो है हम महरूम हैं। अभी भी हमारे गांव देहातों में वो फैसिलिटी नहीं पहुँची है, वो कनेक्टिविटी नहीं पहुँची है जिसपे हम खुले दिल से आके जम्मू में आके बात कर सकें। तो आज ये जो मंच मिला था नॉन पॉलिटिकल, जो पहाड़ी रिजर्वेशन के लिए एक हमने आवाज़ उठाई, उसका मुद्दा और मकसद सिर्फ ये था कि एक जगह पे इकट्ठा हो जाए और एक जगह इकट्ठा होकर अपनी आवाम के लिए, अपनी गरीब आवाम के लिए बात की जाए। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात ये मुझे देखने को मिलती है कि हमारे इतने रिसोर्सेज हैं, चाहे चन्हाव वैली को लेके आप आ जाओ या चाहे आप माता वैष्णो देवी की तरफ आ जाओ, हमारे जितने भी फंड वहाँ से रेज होते हैं वो सारे के सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चले जाते हैं। आखिरकार अगर पहाड़ों से आप लेके सारी चीज़ें अपने पास रखते हो तो हमें क्या दिया आज तक आपने? हमें सिर्फ आपने वोट का अधिकार दिया, और वो भी आप किसी ना किसी गुमराह तरीके से अपनी तरफ लुभाने की कोशिश करते हो। और ये लुभाने का जो फैसला है, हम चाहते हैं कि इस फैसले से हम ये चार जो चुनाव का खिता है, चार डिस्ट्रिक्ट, हम इससे नाखुश हैं, और नाखुश होने के कारण आज हमने ये एक नॉन पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म ढूंढा है। और इसके लिए मैं जितने हम जुड़े हैं, आज रामबन के जुड़े हैं, किश्तवाड़ के जुड़े हैं, रियासी के जुड़े लोग हैं, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं और एक साफ और क्लियर मैसेज देना चाहते हैं। हमें फ़र्क नहीं पड़ता है, हम ना पॉलिटिकल बात करते हैं, हम ना पॉलिटिकल करने आए, हम अपने गरीबों का हक लेने आए हैं, और उसके लिए जिस हद तक हमें जाना पड़ेगा मे भी हम जा सकते हैं। और इन्हीं चंद बातों के साथ मैं मीडिया कर्मी का और सभी आप सभी मीडिया कर्मियों का शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया।